भारत के महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान में मदद को रूस ने हाथ बढ़ाया है। इसके लिए उसने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने का प्रस्ताव किया है। रूस की सरकारी एजेंसी स्पेस कॉरपोरेशन रोस्कोस्मोस ने कहा कि भारत रूस से जल्द अपने गगनयान अभियान को लेकर बात करने वाला है। भारत रूस से गगनयान के लिए कई जरूरी उपकरण खरीदना चाहता है। इनमें गगनयान में लगने वाले वैज्ञानिकों के लिए सीटें, खिड़कियां तथा वो पोशाक प्रमुख है जो अंतरिक्ष यात्रा पर वैज्ञानिक पहनते हैं। रोस्कोस्मोस के मुताबिक इस संबंध में 4 से 6 सितंबर के बीच रूस के व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान उच्च स्तरीय वार्ता हो सकती है। 21 अगस्त को मॉस्को में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा महानिदेशक डिमिट्री रोगोजिन के बीच हुई बातचीत के बाद रोस्कोस्मोस ने एक बयान में कहा कि इस वार्ता में अंतरिक्ष अभियान, उपग्रह नेविगेशन तथा इंजन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा। रोस्कोस्मोस ने कहा कि भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान को 2022 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रूस के मॉस्को में बनेगा भारत का ग्राउंड स्टेशन। इस बीच इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा कि रूस ने भारत को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने का भी प्रस्ताव किया है। रूस ने सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी को भारत को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देने का प्रस्ताव किया है। रॉकेट इंजन को भारत में ही बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल हम अपने रॉकेट में करेंगे। सिवन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने यहाँ ग्राउंड स्टेशन की भी स्थापना करेंगे। रूस में भारत का ग्राउंड स्टेशन मॉस्को में तो रूस का भारत में ग्राउंड स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित होगा। इससे उपग्रह नेविगेशन सिग्नल अचूक और सटीक होंगे। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।